हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बैंगरू में। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन की तमाम छोटी और बड़ी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए, बहुत ज़्यादा आपका समय ना ले व्यर्थ करते हुए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, और जो नोटिफिकेशन है वो 6 सितंबर को निकाला गया था और जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 7 सितंबर 2023 से स्टार्ट हो गया है और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 27 सितंबर 2023। जो लास्ट डेट है आपका फ़ीस जमा करने की वो भी 27 सितंबर 2023 है। जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होती है जो कंडक्ट कराई जाएगी, जब आप एक बार ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे उसके बाद आपको नोटिफाई किया जाएगा। SBI PO की एग्ज़ाम डेट जो है वो है नवंबर 2023, ये प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट है। इसके बाद जब मेन एग्ज़ाम होंगे उसकी डेट जो है वो दिसंबर 2023 या जनवरी 2024, इन दो महीनों के बीच में करवा दी जाएगी, वो आपको बाद में नोटिफाई किया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी OBC और EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इन सभी के लिए 750 रुपये रखी गई है। इसके अलावा SC ST और PWD मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, दिव्यांगजन, इन सभी के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम आपकी जो उम्र है वो 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। वैकेंसी डिटेल की अगर हम बात करें तो देखिए, डिफरेंट कैटेगरीज में कुल 2000 पद सृजित किए गए हैं। इसमें अगर आप देखें तो SC के लिए 300 हैं, ST के लिए 150 हैं, OBC के लिए 540 हैं, EWS के लिए 200 हैं और जनरल कैटेगरी के लिए 810 पद सृजित किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 2000 पद सृजित किए गए हैं इस नोटिफिकेशन के लिए। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए भी कई सारे पद हैं, आप देख सकते हैं। जैसे LD यानी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, VI मतलब विजुअली इम्पेयर्ड, और HI मतलब हियरिंग इम्पेयर्ड, इन सभी के लिए 20-20 हैं। और DNE सबसे लास्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पे DNE है, उसके लिए भी 20 वैकेंसीज हैं। बैकलॉग में 16 पद HI के लिए हैं, 16 पद DNE के लिए। DNE के लिए अगर आप सबसे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरीज अंडर क्लॉज DNE ऑफ सेक्शन 34I ऑफ RPW एक्ट 2016 सुटेबल फॉर द पोस्ट आर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी SLD, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर माइल्ड, ASD जिसको बोलते हैं, और इसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटीज एमंग्स LD, VI, HI, SLD, MI और ASD। तो अगर आप इन जितने भी कैटेगरी दी गई है इनमें से किसी में बिलोंग करते हैं तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। टोटल आप यहाँ पे देखेंगे तो 36 वैकेंसीज दी गई हैं। पर्सन जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनके लिए 36 पद निर्धारित किए गए हैं। उम्मीद है कि ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हुई होगी, और नहीं क्लियर होती है तो आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। चलिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप मोटा माटी आप देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, द कैंडिडेट मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोज हु आर इन द फाइनल ईयर और सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू दे मस्ट प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन। मतलब कोई भी कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में है या फाइनल सेमेस्टर में है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे उनको प्रूफ देना पड़ेगा कि आपने ग्रेजुएशन जो है वो पास कर लिया है। इसके अलावा कैंडिडेट विद एन इंटीग्रल डुअल डिग्री IDD सर्टिफिकेट मस्ट इंश्योर दैट द डेट ऑफ पासिंग द IDD एस मैंशनड इन द नोटिफिकेशन। मतलब अगर आपके पास इंटीग्रल डुअल डिग्री है तो उसमें डेट ऑफ पासिंग जो है वो मैंशन होनी चाहिए। सबसे नीचे आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर में है, आप देख सकते हैं कैंडिडेट विथ चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेशन में ऑल्सो अप्लाई, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफिकेशन रखते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा होने वाला है आपके सामने है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 35 मार्क्स उसी के लिए हैं, उसके लिए 20 मिनट दिए गए हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी 30 क्वेश्चन हैं, 30 मार्क्स हैं और 20 मिनट टाइम है। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी है, 35 क्वेश्चन है, 35 मार्क्स हैं और 20 मिनट है। टोटल आपके पास 100 क्वेश्चन हैं, 100 मार्क्स हैं और उसके लिए 1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है।
उसके बाद हम अगर देखते हैं मेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसमें आप देख सकते हैं कि जो सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, मैक्सिमम मार्क्स हैं और ड्यूरेशन है। टोटल जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का होने वाला है, जो कुल क्वेश्चंस हैं वो 155 होंगे और मैक्सिमम मार्क्स उसमें आपको 200 मिलेंगे। सब्जेक्ट की बात करें तो डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस, इन सभी के लिए ये जो सब्जेक्ट हैं इनके सामने आप देख सकते हैं क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम मार्क्स हैं और उसके सामने ड्यूरेशन भी दिया गया है। तो कंप्लीट अगर आप देखेंगे तो 3 घंटे मिलेंगे आपको मेंस एग्ज़ाम के टाइम पे। आगे अगर हम बात करें सैलरी की तो बेसिक पे जो रहेगा वो 41,960 रुपये का रहेगा, उसमें एचआरए आप देख सकते हैं 2,937 रुपये का जुड़ेगा, डीएनएस अलाउंस डीए जिसको बोलते हैं 12,701 रुपये, एलए यानी लोकेशन अलाउंस जो है वो 700 रुपये का, लर्निंग अलाउंस जो है वो 600 रुपये का, स्पेशल अलाउंस 6,881 रुपये का मिलेगा। तो जो ग्रॉस सैलरी बनेगी वो आपकी बनेगी 65,780 रुपये, उसमें से कुछ डिडक्शंस होंगे, वो डिडक्शंस होंगे 12,960 रुपये की, जो आपकी नेट सैलरी जो आपके हाथ में आएगी वो 52,820 रुपये आएगी। आपको यह चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं यहाँ पे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आप यहाँ पे देखिए, टू इंश्योर एन एरर फ्री एंड सिक्योर सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर SBI PO 2023, द बैंक में डिजिटली कैप्चर द थंब इंप्रेशन ऑफ द कैंडिडेट, दिस इज डन टू वेरीफाई द जेन्युइननेस ऑफ द कैंडिडेट। मतलब इस बार एकदम स्मूथली कंडक्ट ये जो एग्जाम है उसको, सिलेक्शन प्रोसीजर को कराने के लिए बैंक जो है वो डिजिटली आपका जो थंब इंप्रेशन उसको कैप्चर करेगा। ये इसलिए किया जाएगा ताकि जो कैंडिडेट जेन्युइन है उनकी पहचान की जा सके। एनी इनकन्सिस्टेंसी इन द बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन विल लीड टू रिजेक्शन ऑफ द कैंडिडेट एंड प्यूनिटिव लीगल एक्शन। मतलब अगर कोई दिक्कत होती है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, इसके अलावा लीगल एक्शन भी लिए जा सकते हैं। तो कैंडिडेट्स आर दस एडवाइज नॉट टू अप्लाई एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल मैटर लाइक इंक, मेहंदी, केमिकल एक्सेट्रा ऑन देयर हैंड। मतलब जो भी कैंडिडेट हैं वो या ना इंक लगाएं, ना मेहंदी लगाएं, ना किसी प्रकार का अपने हाथों में केमिकल लगाएं, ताकि इन सब चीज़ों से बचा जा सके। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की अगर बात करें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ चांसेस आर फिक्स्ड फॉर ईच कैटेगरी, कैंडिडेट हु हैव यूज्ड अप ऑल द चांसेस आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, अपियरिंग इन प्रीलिमिनरी एग्जाम इज नॉट काउंटेड एज एन अटेम्प्ट बट अपेयरिंग इन द मेन एग्जाम इज काउंटेड। ठीक है, प्री एग्जाम में नहीं काउंट किया जाएगा ये चीज, मेन एग्जाम में काउंट किया जाएगा। तो कैटेगरी अगर आप देखें तो जनरल और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कुल चांसेस 4 हैं, इसके अलावा अगर, और वहीं अगर कैंडिडेट जो है वो जनरल है और EWS से बिलोंग करता है लेकिन वो दिव्यांगजन है तो उसके लिए 7 चांसेस हैं। वहीं OBC के लिए जो PWD है मतलब दिव्यांगजन है उनके लिए भी 7 हैं। इसके अलावा SC ST PWD जो हैं और ST जो PWD हैं उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है यहाँ पे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो 3 फेज में होगा, प्री एग्ज़ाम होगा, मेंस एग्ज़ाम होगा, इसके बाद GT इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो उम्मीद है कि जो पूरा नोटिफिकेशन है इसके बारे में जो छोटी और बड़ी बातें हैं ये आपको एक बार क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे, और डिटेल में आपको ज़रूर एक बार देखना है। और जो SBI की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जा कर के आप एक बार जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको आप डाउनलोड करिए और अप्लाई करने से पहले पूरा और अच्छे से ध्यान से पढ़िए। इसके अलावा मैं आपको जहाँ से अप्लाई करना है उसकी लिंक मैं भी दे दूंगा, तो आपको बहुत ज़्यादा भटकने की नहीं जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आप क्लिक करके डायरेक्ट आप उस पेज में रिडायरेक्ट हो जाएंगे जहां से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने उन दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिए इस जानकारी को जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, और वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।